दिस इज क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों, देखिएगा। 9 पाइप फिटेड टू ए वाटर टैंक, सम ऑफ देम आर वाटर टेप टू फिल द टैंक एंड रिमेनिंग आउटलेट पाइप यूज टू एम्प्टी द टैंक। ईच वाटर टेप फिल द टैंक इन 9 आवर्स, दैट मीन्स जो फिलिंग वाली पाइप हैं वो 9 आवर्स में फिल करती हैं। ईच आउटलेट पाइप एम्प्टी 9 आवर्स, जो एम्प्टी करने वाली पाइप हैं दे कैन एम्प्टी इन 9 आवर्स। ठीक है जी। ऑन द ओपनिंग ऑल द टेप, द टेप टैंक इज फिल्ड इन 9 आवर्स, 9 आवर में जो है काम हो जाता है। फाइंड द वाटर टेप्स। ठीक है बच्चों, लेट से यहाँ पे एक्स फिल करने वाले हैं और बच्चों 9 माइनस एक्स जो है एम्प्टी करने वाले हैं। ठीक है जी। देखिएगा एलसीएम मेरे पास 9 आया, ये 1 होगा बट इट इज -1। एक पाइप 1 लीटर पानी डालती है तो एक्स पाइप एक्स लीटर पानी डालेंगे। अब एक पाइप इतना पानी निकालती है तो 1 × 9 − x पानी जो है निकल रहा होगा। तो फिलिंग प्लस एम्प्टी की जो आउटपुट रहेगी बच्चों वो रहेगी x − 9 − x, और यू कैन से 2x − 9। वी नो दैट टाइम विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी एंड द टाइम विच वी हैव गिवन, टोटल टाइम इज 9 आवर्स। 9 hours will be equal to total work, that is 9, this is 9, divide by efficiency 2x − 9. 9 cancel out, 2x − 9 is equal to 1 and 2x will be equal to 10, x is equal to 5. तो बच्चों फिलिंग करने वाली पाइप मेरे पास 5 है, एम्प्टी करने वाली पाइप मेरे पास 4 है। अगर यहाँ पे फिलिंग पूछी है तो मेरे पास आंसर 5 रहेगा, नहीं तो मेरे पास 4 रहेगा।